यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म उत्सव को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। यह सेवा सप्ताह 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस सेवा सप्ताह के जरिए जगह जगह मानव हितों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और लोगों को मानव सेवा करने के संदेश भी दिए जा रहे हैं। भारत की सेवा में तत्पर तैयार रहने वाले भारत के ओजस्वी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 73वें जन्म दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत मशीन द्वारा छिड़काव व फॉगिंग कर मलेरिया मच्छर की रोकथाम के उपाय भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के घोंडा विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 231 की निगम पार्षद प्रीति नीरज गुप्ता ने अपने वार्ड के गौतम विहार गली नंबर 1, 2, 3 व गली नंबर 4 में जागरूकता अभियान चलाया और धुएं द्वारा फॉगिंग भी कराई गई। साथ ही क्षेत्र की जनता को डेंगू मलेरिया मच्छर आदि बीमारियों के बारे में जागरूक भी किया गया। साथ ही क्षेत्र की निगम पार्षद प्रीति नीरज गुप्ता ने अपने क्षेत्र के लोगों से घर घर जाकर पूछताछ भी की कि वार्ड के अंदर सफाई व्यवस्था का क्या हाल है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये और सफाई का भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। कूड़ा उठाता है सबसे सब। हाँ, 2-3 बार गाड़ी आ रही है। तो क्या कहेंगे जिस तरीके से वोट दिया था इस बार पार्षद जी का काम पूरा है? हाँ जी पूरा। संतुष्ट है जी, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। कैसा काम हो रहा है? सब तरह का काम हो रहा है, सफाई वफाई जितने भी है सब बढ़िया काम हो रहा है। तो क्षेत्र के लोगों ने सफाई व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि सफाई व्यवस्था ठीक ठाक चल रही है, समय समय पर सफाई कर्मचारी सफाई व्यवस्था में लगे रहते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान निगम पार्षद प्रीति नीरज गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म उत्सव के तहत सेवा सप्ताह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के जरिए सफाई व्यवस्था अभियान व अन्य अभियान भी किए जा रहे हैं। आज हमने अपने वार्ड में डेंगू मलेरिया मच्छर आदि बीमारियों की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया है और लोगों को यह संदेश दिया कि वे इन बीमारियों से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वार्ड 231 की निगम पार्षद और क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सबसे पहले अपने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिन के उपलक्ष में हमने सप्ताह पखवाड़े के तहत हमने ये फॉगिंग मशीन का कार्य करवाया है, जिससे डेंगू मलेरिया की रोकथाम हो सके हमारे वार्ड में घोंडा वार्ड में। और ये सेवा सप्ताह 1 अक्टूबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलेगा और हम इनमें अनेक काम करवाएंगे। और आज मैंने अपने घोंडा में 1, 2, 3, 4 गली का दौरा किया है, जिसमें हमने पूछा यहाँ के सफाई वगैरह व्यवस्था है। हाँ, यहाँ की जनता हमने बताया सफाई वगैरह व्यवस्था अच्छी हो रही है। मैं चाहूंगी इससे भी अच्छी व्यवस्था मैं और करवा सकती हूँ। देखिए, पार्षद जी तो निरंतर इस वार्ड में दौरा करते रहती है और साथ में सभी जो अधिकारी हैं स्वच्छता के हो, मलेरिया विभाग के हो, सभी लोग साथ में रहते हैं। और आज जिस प्रकार से, वैसे तो हमारे पूरे वार्ड में स्वच्छता का बहुत अच्छा कार्य चल रहा है, लेकिन आज विशेष जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस से लेकर एक सेवा पखवाड़ा चल रहा है, उसके अंतर्गत हम निरंतर और अधिक प्रयास करके इस वार्ड को और अधिक सुंदर और स्वच्छ बनाएं। और एक बहुत अच्छी बात है कि हमारा जो वार्ड है वो इतना स्वच्छ है कि इसमें एक भी केस अभी तक डेंगू का मलेरिया का नहीं है, तो ये हमारे लिए उपलब्धि है और हम इस वार्ड को और अच्छा बनाएं, ये हमारा प्रयास है। यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर जो है ये सेवा सप्ताह पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे निगम पार्षद जी आज गौतम विहार जो क्षेत्र है इसमें 1, 2, 3, 4 गलियों का घर घर दौरा किया और फॉगिंग सफाई सारा करवाया और उसके साथ साथ सबसे पूछा कि आप बताइए सफाई व्यवस्था कैसी है। सबने सराहा, सभी ने कहा कि काम बहुत बढ़िया, सफाई बहुत बढ़िया हो रही है। आज हम गौतम विहार की गली नंबर 1, गली नंबर 2, गली नंबर 3 और गली नंबर 4 में गए। एक कार्यकर्ता होने के नाते हम एक एक घर में गए, वहां से हमने लोगों को बुलाया, जहाँ महिला भी थी बुजुर्ग भी थे, उनसे हमने पूछा निगम पार्षद जी के आप काम बताइए। कार्यकर्ता होने के नाते हमें तो पता अच्छा है, लेकिन क्षेत्र की जनता का है जब अच्छा है। जिस घर में भी गए हम, कम से कम 150 घरों में गए, 150 के 150 लोगों ने कहा हमारे यहाँ सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी है, समय पर कूड़ा उठता है, समय पर सफाई होती है और कभी किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है। कोई मकान बनता है तो कोई एनसीडी वाला भी तंग नहीं करता। हमारे को सबसे ज्यादा खुशी ये है
कि हमारी निगम पार्षद एक सफल निगम पार्षद है जिसमें क्षेत्र के लोगों ने ठप्पा लगाया है कि कामयाब है। हमारी तरफ से एमसीडी की तरफ से पूरी तैयारी है डेंगू और मलेरिया को रोकने के लिए, और अब फॉगिंग भी चालू हो गई है। पहले नालियों में दवाई हो रही थी और डीबीसी हमारे अच्छी तरह काम कर रहे हैं, अब फॉगिंग चालू हो गई है तो अडल्ट मॉस्किटो भी हमारा खत्म हो जाएगा। लोगों से तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कूलर में आप पानी ना चलाएं, और अगर कोई कंटेनर भर के रखते हैं तो उसे ढक के रखें, और जो टंकी होती है ओवर हेड टैंक उसे अभी आप ढक के रखें, यही सावधानी है जिसमें मच्छर पनपता है। देखो प्रीति गुप्ता ने इस बार बहुत अच्छा काम किया है, अभी तक जो भी निगम पार्षद हमारे को मिले थे कोई ऐसा निगम पार्षद नहीं मिला था जिसने हमारी आवाज सुनी हो, लेकिन हाँ इस बार जरूर जो प्रीति गुप्ता को उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा उन्होंने काम करके दिया इस बार उन्होंने, और क्षेत्र में खुशहाली है और साफ सफाई अभियान सबसे ज्यादा चल रहा है।